नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। कोरोना की चौथी लहर की आशंका के बीच पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में महंगाई से त्राहि त्राहि मचा हुआ है। पाकिस्तान कंगाल हो चुका है, ये सबको पता है, और आईएमएफ की जो भ्रिकुटी है उस पर तनी हुई है। इसी बीच खबर है कि लगभग 3.25 साल के कार्यकाल के बाद वहाँ के प्रधानमंत्री इमरान खान बुरी तरीके से फंस चुके हैं और बचने के लिए अब हाथ पर मार रहे हैं। विपक्ष उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश कर चुका है, जिसे किसी तरीके से स्पीकर टाल रहे हैं और टाल करके 25 मार्च तक ले गए हैं। लेकिन टालने से क्या होता है? जब विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव पेश कर रहा है और उनके पास बहुमत नहीं रहेगा तो कोई नहीं बचा पाएगा। विपक्ष का काम है सरकार को घेरना, अविश्वास प्रस्ताव पेश करना, लेकिन इमरान खान सबसे ज़्यादा परेशान है तो अपने दल के सांसदों से। खबर है कि 24 से 25 सांसद बागी हो गए हैं। पीटीआई पाकिस्तान तहरीके इंसाफ, जिस पार्टी से ताल्लुक़ है इमरान खान का, उसी पार्टी के 24 सांसदों ने बगावत कर दी है और वो चाहते हैं कि अब इमरान खान की विदाई हो। ऐसे में चारों तरफ छटपटा रहे हैं, हाथ पैर मार रहे हैं कि किसी तरीके से बच सकते हैं क्या। इसी बीच जो अटॉर्नी जनरल हैं खालिद, वो इस मामले को लेकर के पहुंच गए हैं सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में नियम कानून के हवाले से संविधान का उल्लेख करके ये बताने की कोशिश की गई है कि जो बागी हुए हैं, जो क्रॉस वोटिंग करते हैं या दल बदल कानून के तहत कवर होते हैं, उनको वोटिंग से पहले ही अयोग्य घोषित कर दिया जाए। अब सुप्रीम कोर्ट में ये टेक्निकल मामला फंस गया है कि क्या किसी सांसद को वोटिंग से पहले दल बदल के तहत अयोग्य घोषित किया जा सकता है, क्योंकि दूसरा जो पक्ष है या जो कानून के जानकार हैं उनका तर्क ये है कि आर्टिकल 63A के तहत उनकी सदस्यता पहले ही चली जाए। तो इमरान खान के कानूनी सलाहकार ये चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट किसी तरीके से इस बात को मान ले कि वोटिंग से पहले ही जो बागी हो गए हैं उनको अयोग्य घोषित कर दिया जाए। अब गेंद जो है सुप्रीम कोर्ट के पाले में है। कहा यह जाता है कि जिस तरीके से पाकिस्तान चारों तरफ से घिरा हुआ है, विपक्ष वार कर रहा है और अपने भी अब बेगाने हो चले हैं, उनको मतलब वो भी विरोधी बन गए हैं, ऐसे में उनका बचना इसलिए मुश्किल है क्योंकि कहीं से कोई मदद नहीं मिलती हुई दिख रही है। महंगाई से लोग त्राहि त्राहि कर रहे हैं, यानी कि आम आदमी भी चाहता है कि इमरान खान की विदाई हो, और जो सेना कठपुतली सरकार वहाँ बनाती है, इमरान खान के बारे में भी कहा जाता है कि पाकिस्तान के आर्मी ने उन्हें बिठाया है, वो सेना भी अब किनारा करने लगी है। तो क्या इमरान खान की विदाई तय है? आने वाले 2-4 दिनों में ये तस्वीर साफ हो जाएगी। वैसे भी घबराहट में कहें या विरोधियों पे इल्ज़ाम लगाने की जल्दीबाजी, अचानक भारत उनको आजकल याद आने लगे। भारत के प्रधानमंत्री मोदी भी अच्छे लगने लगे हैं और भारत भी अच्छा लगने लगा है कि भारत स्वतंत्र विदेश नीति का पालन करता है। एक तरफ क्वाड में भी है और दूसरी तरफ रूस से तेल भी खरीद रहा है। हमारा मुल्क यानी कि उनका पाकिस्तान, उसके जो सियासतदान रहे, हुक्मरान रहे, उन्होंने तो कभी इस तरफ सोचा ही नहीं, कठपुतली बन के काम किया, ये वो अब कह रहे हैं। तो देखते हैं कि चार जो वो पैंतरेबाजी कर रहे हैं उससे उनको राहत मिल जाती है, सुप्रीम कोर्ट कोई राहत देता है, या उनकी विदाई की जो इबारत लिखी गई है अब वो सिर्फ इम्प्लीमेंट होनी बाकी है। रहेगी इस पे हमारी नज़र, रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।